सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत बड़े सेटअप के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है एम्पलीफायर, बहुत सारे क्रॉसवर, चार डुअल बेस, चार पीस जो कि JBL में रहेगा, दो सिंगल बेस, 1700 वाट का 8 लाइन अरे जो कि इसमें शार्पी लाइट है 6 पीस, पार लाइट है 8 पीस, जनरेटर भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कितने KVA का जनरेटर लगने वाला है इस बड़े से सेटअप में। सभी का अलग अलग प्राइस बताने वाला हूँ और टोटल अमाउंट कितना प्राइस यहाँ पर पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में सभी जानकारी के साथ, देख लेते हैं प्राइस कितना पड़ने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे शार्पी लाइट के बारे में। सो यहाँ पर 6 पीस हमने यहाँ पर शार्पी लाइट ले लिया है जो कि यहाँ पर 7R का रहेगा। प्राइस रहेगा वो लगभग 35 से 38 या फिर 40,000 के पेयर में भी जा सकता है। तो यहाँ पर लगभग 1,14,000 के आसपास आप ऐड करके रख लीजिए, इतना प्राइस में आपको मिल सकता है। और मैं ये जितना भी प्राइस बता रहा हूँ ये आपको लगभग अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ। पार लाइट के बारे में बात करते हैं, 8 पीस पार लाइट रहेगा। पार लाइट यहाँ पर 3 वाट में आपको 12,000 के आसपास में आपको 8 पीस पार लाइट मिल जाएगा। वहीं हम बात करेंगे डुअल बेस के बारे में जो कि 18 इंची में रहेगा, मतलब कि आपका 4000 वाट का 4 पीस डुअल रहेगा, मतलब कि 2000 वाट का 8 स्पीकर हो जाता है टोटल। तो यहाँ पर 4 पीस डुअल बेस का प्राइस अगर हम देखते हैं तो 4 डुअल बेस तो यहाँ पर 2,10,000 के आसपास में आप काफ़ी ईजी तरीके से बना सकते हैं। और वहीं हम बात करते हैं सिंगल बेस के बारे में जो कि 18 इंची में रहेगा, 2000 वाट का 2 बेस हॉर्न लोडेड में बना सकते हो। तो आपको जैसे भी बनाना है वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने हॉर्न लोडेड में बनाया है, इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। सो यहाँ पर हॉर्न लोडेड में आप 2000 वाट का 2 पीस यहाँ पर सबवूफर बना सकते हो जो कि उसका प्राइस लगभग यहाँ पर 62,000 के आसपास में आपको बन जाएगा। और वहीं बात करते हैं लाइन ड्रे के बारे में जो कि 12 इंच का लाइन ड्रे रहेगा, 1700 वाट में रहेगा जो कि 8 पीस रहेगा। लाइन ड्रे के बारे में बात करते हैं तो लगभग एक पेयर लगभग 1,02,000 के आसपास में आपको मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पर 1,02,000-3,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा एक पेयर। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, स्पीकर के ऊपर भी डिपेंड करता है। 1700 वाट का 8 पीस आप 4,08,000 में बना सकते हो। और वहीं बात करते हैं मॉनिटर के बारे में तो यहाँ पर PRX 800 जो कि JBL की तरफ से आता है, 4 पीस यहाँ पर मॉनिटर हमने ले लिया है जो कि लगभग एक मॉनिटर का प्राइस 60 से 65,000 के आसपास में आपको मिल जाता है। 60,000 के आसपास अगर आप ऐड करते हो तो 4 पीस का आप यहाँ पर 2,40,000 के आसपास आप मान के चलो कि इतना में आपको मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं क्रॉसवर के बारे में। सो यहाँ पर क्रॉसवर आपको जैसा भी लेना है वो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्रॉसवर आप ले सकते हैं जो कि 12,000 से लेकर के, मतलब 12,000 से ऊपर में आप लेंगे तो काफ़ी बेस्ट क्रॉसवर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर 12,000 के आसपास आप ऐड कर लीजिए। वहीं बात करते हैं मिक्सर, मिक्सर में जैसा कि लाइव के लिए यूज़ करना चाहते हैं, डीजे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मिक्सर का प्राइस वो अपने से आप ऐड कर लीजिएगा कि अपने आपके मार्केट में उसका प्राइस कितना है और कौन सा आपको मिक्सर लेना है। वहीं हम बात करते हैं जैपर लैब्स का, यहाँ पर एम्पलीफायर आपको लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर Z8 मैंने ऐड किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आपको मिल जाएगा। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर 2 पीस लेना पड़ेगा, मतलब कि 2 एम्पलीफायर आपको लेना पड़ेगा जिसमें आपको 2 डुअल बेस चलेंगे, मतलब एक डुअल बेस एक चैनल में, एक डुअल बेस दूसरे चैनल में। इसी टाइप से आपको 2 एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 पीस का डुअल बेस आप चला सकते हैं जो कि यहाँ पर 8 सेरवाट का एम्पलीफायर रहेगा। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो एक एम्पलीफायर लगभग 82,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, यहाँ पर 1,64,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें फ्लाइट केस भी आता है। और वहीं बात करते हैं यहाँ पर 2 सिंगल बेस के लिए, यहाँ पर 2000 वाट का यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर MT1601 आप ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा बेस आपको मिल जाएगा उस एम्पलीफायर में। सो यहाँ पर MT1601 का जो प्राइस रहेगा वो लगभग 52,000 पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप 52,000 रुपये ऐड कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं लाइन ड्रे के लिए एम्पलीफायर हमें कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पर लाइन ड्रे के लिए आप कोई सा भी एम्पलीफायर ले सकते हैं, लगभग 4000 वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एरोंस का HD 4050 Mark II ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो प्राइस रहेगा, यहाँ पर एरोंस का HD 4050 जो कि इसका प्राइस लगभग 38,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, 38 से 40,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर इसका जो प्राइस रहेगा लगभग 1,52,000 के आसपास में आपको 4 एम्पलीफायर लेना पड़ेगा जो कि आपके पास 8 लाइन ड्रे है, तो मतलब कि एक एम्पलीफायर में 2 लाइन ड्रे चलेंगे 4 ओम्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 4 पीस एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। यहाँ पर HD 5001 भी आप ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा। और इसका प्राइस के बारे में बात करते हो तो लगभग इतना ही प्राइस में आप बना सकते हो 4 पीस एम्पलीफायर। वहीं हम बात करते हैं टोटल अमाउंट, मतलब कि टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाता है।
आता है, प्लस यहाँ पर जनरेटर आपको कितना लेना पड़ेगा, मतलब कितने के वी का आपको जनरेटर इसमें चाहिए होगा। सो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं टोटल अमाउंट के बारे में। तो अगर हम टोटल अमाउंट को जोड़ते हैं तो मिक्सर छोड़ करके और जनरेटर छोड़ करके लगभग 14,26,000 के आसपास में आपको इतना सेटअप आप बना सकते हो। प्लस यहाँ पर मिक्सर का आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर जनरेटर को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप डीजी सेट लेंगे तो ही आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा सेटअप आप चला रहे हो तो यहाँ पर डीजी सेट आप ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जनरेटर जो रहेगा आपका डीजी सेट रहेगा, जो कि लगभग 50 KVA का आसपास रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा। 50 KVA का होना चाहिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा साउंड आप ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका प्राइस जो मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं बताया है, मतलब कि इसका प्राइस लगभग उसके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और मिक्सर का भी नहीं बताया है, क्योंकि आपको कौन सा मिक्सर लेना है, कैसा मिक्सर लेना है लाइव एंड डीजे के लिए, तो वो आपको डिपेंड करता है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा ले रहे हो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में अगर अभी तक नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।